Namaste. Welcome everybody to again Devdati's online transformation sessions. So as again I tell you, Devdati is a cultural organization. It's co-founded by Sapna Khandelwal and Vandana Gupta. They started this organization to revive the love of the sari. But अब ये सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. इन्होंने बहुत से कल्चरल और सोशल इवेंट्स, सोशल कॉजेस को अपना लिया है और बहुत अग्रसर होके ये लोग उनकी तरफ इन उसमें काम कर रहे हैं. और इसमें से कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा महत्व ये ऑर्गेनाइजेशन देती है. और हमारे कल्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है योगा. योगा हमारी कंट्री की, सारी दुनिया को एक बहुत अद्भुत देन है. और योगा में भी महत्व रखता है प्राणायाम. प्राणायाम का आज के दौर में प्राणायाम को खास करके बहुत जरूरी माना जा रहा है. एक तो आपकी इम्यूनिटी के लिए और दूसरा प्राणायाम आपके माइंड हेल्थ के लिए, क्योंकि केवल एक हेल्दी दिमाग से ही हेल्दी बॉडी रह सकती है. और इसी पे आज आपको बहुत कुछ बताने वाली है नेहा खुराना जी. तो यहाँ से अब नेहा खुराना जी will take over the session. Neha ji. So, what like? I'll give you. No. Start. So, welcome all of you, and I'm very thankful to Devdati Foundation for inviting me to here. Or अच्छा रहेगा हम लोग आज के करंट टॉपिक प्राणायाम और इम्यूनिटी के ऊपर कुछ बात करें. तो सबसे पहले अच्छा रहेगा अगर हमारे सभी को पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वो अपना वीडियो स्टार्ट कर लें, तो मैं भी उन सब लोगों को अच्छी तरह से देख पाऊंगी, है ना. अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ और आप सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं. तो जैसे भी हैं आप लोग, जहां भी हैं, तो प्लीज स्टार्ट योर वीडियो. तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी देवदत्ति फाउंडेशन को जो इतने अच्छे कॉज में जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा वेबिनार के थ्रू हम सब लोगों के अंदर अवेयरनेस और Just excuse me, Neha ji, I'll just see who is. I've been telling people to mute themselves, but it's somehow, okay. It's okay. No issue. आप शुरू करिए. मैंने कर दिया उनको म्यूट. तो देवदत्ति फाउंडेशन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो इतने अच्छे कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, वेबिनार्स के थ्रू और भी बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू वो एक अवेयरनेस का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं. तो इट्स वेरी गुड कि हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ दूसरों ऐसा कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए जिससे हमारी भी ग्रोथ हो और दूसरों को भी अच्छा लगे, दूसरों की भी ग्रोथ हो, है ना. तो इट्स वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद प्राणायाम. और जैसे कि बताया वंदना जी ने कि योगिक टेक्निक्स और प्राणायाम हमें बहुत हेल्प करते हैं और ये हमारे हमारे अभी इंडिया की हमारे अपनी देन है, है ना. आजकल बाहर की कंट्रीज में इतना लोग इसको एडमायर कर रहे हैं, इतना इसको मान रहे हैं और ये हमारे पास एक ब्लेसिंग है, प्राणायाम और योग. तो प्राणायाम के बारे में कुछ हम लोग और अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेते हैं पहले, कुछ और उसके बारे में और अच्छी तरह से मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे. तो जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है प्राणायाम, तो सभी लोगों से पूछा जाए कि प्राणायाम क्या होता है तो सभी लोग ये कहते हैं कि सांस का आना जाना या सांसों के ऊपर थोड़ा सा काम करना या थोड़ी सी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, इस प्राणायाम. लेकिन मैं और आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहती हूँ इसके ऊपर, प्राणायाम के ऊपर. प्राणायाम ये जैसे अगर आप प्राणायाम को अगर हम खोलें, प्राणायाम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इट्स प्राणा प्लस आयाम. प्राण को आयाम देना, आयाम मतलब एक डायरेक्शन दे देना,
अब जैसे हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो सभी तो अवेयर ही है। अच्छा एक बात मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हम तीन आप कभी ऑब्जर्व करें कि आप दिन में कितना सांस लेते हैं कितना छोड़ते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हम लोग दिन में 11,000 लीटर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इतना सब कुछ इतना क्रूशियल हमारी फैकल्टी है ब्रेथ, जिसको कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके बारे में हम इतना अवेयर भी नहीं है। सिर्फ हमें अपनी सांस का तब पता चलता है जब हम कहीं से भाग के आते हैं या फिर कुछ वर्कआउट करते हैं, है ना? नहीं तो हमें अपनी सांस का पता ही नहीं चलता कि सांस हमारे अंदर आ रही है जा रही है, हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। जबकि जब हम पैदा हुए थे तो सांस लिया था, जाएंगे तो सांस छोड़ देंगे, बस ये सांसों का ही खेल है थोड़ा सा ये बीच में। तो अगर हम कुछ ऐसे प्राणायाम सीखते हैं जो कि हमारी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, हमें स्ट्रेस फ्री करते हैं, हमारे अंदर प्राण शक्ति को लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो इट्स सो ब्यूटीफुल, हमारा जीवन इससे बहुत सुंदर हो जाता है। तो प्राणायाम को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया प्राण प्लस आयाम, प्राण को एक आयाम दे देना, प्राण को एक डायरेक्शन दे देना। अब प्राण क्या होता है तो कुछ लोगों से पीछे मेरे एक ऐसे ही वेबिनार था तो उनसे मैंने पूछा प्राण क्या होता है, तो उन्होंने बोला सांसों का आना जाना प्राण है। बट सांसों का आना जाना ही प्राण नहीं है, हाँ ब्रेथ के थ्रू हम प्राण को रेगुलेट करते हैं अपने पूरे बॉडी में, अपने पूरे सिस्टम में, अपने पूरे नर्वस सिस्टम में, अपने पूरे सिस्टम में हम लोग प्राण को रेगुलेट करते हैं ब्रेथ के थ्रू। ब्रेथ जो है फिजिकल लेवल पर ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचाती है, लेकिन सटल लेवल पर प्राण का संचार होता है ब्रेथ के थ्रू। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कई लोग दिखने में इतने दुबले पतले और बहुत वीक लगेंगे आपको, लेकिन उनके अंदर एक स्पार्क होता है, वो जो काम भी करना चाहते हैं बड़ी आसानी से उनका वो काम हो जाता है और उनकी प्रेजेंस में हमें अच्छा लगता है, उनकी एनर्जी हमेशा अपलिफ्टेड रहती है, एंथुसियास्टिक रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, है ना? आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में इतने अच्छे लगते हैं कि उनका इतना अच्छा गेटअप रहता है, बाहर से खूब मेकअप किया होता है, खूब अच्छा ड्रेस सेंस होता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस में अच्छा नहीं लगता, उनकी एनर्जी में आपको अच्छा नहीं फील होता, तो उनकी प्राण शक्ति नॉट सो गुड। तो हर कोई चाहता है कि उसकी प्राण शक्ति अच्छा बना रहे, है ना? चाहते हैं ना आप सब लोग कि आपकी प्राण शक्ति अच्छा बना रहे, आपके जो भी काम हो आप अच्छी तरह से कर पाए, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म बना रहे, चाहते हैं ना सभी लोग, है ना? ये तो आई थिंक हर कोई चाहता है कि वो अच्छा जीवन जिए, हेल्दी लाइफ जिए और जो भी काम करना चाहे अच्छी तरह से करे, 100% देकर करे। तो उसके लिए थोड़ा हमें प्राण शक्ति पे काम करना पड़ेगा। प्राण जो है वो हमारे अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी है जो हमारे अंदर एंथुसियाज्म को बना के रखती है, हमारे अंदर एक खुशी को बना के रखती है, हमारे अंदर जॉय को पूरी तरह से फ्लो होने देती है, हमारी क्रिएटिविटी बना के रखती है, हमारे अंदर नॉलेज को फ्लरिश होने का मौका देती है। तो वो प्राण शक्ति का हम लोग थोड़ा बहुत प्राणायाम करके ध्यान करके उसको हासिल कर सकते हैं। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों में से काफी लोग आई नो कि प्राणायाम करते हैं रोज। पीछे वंदना जी से भी मेरी बात हो रही थी तो वो बता रही थी कि वो रोज सुबह उठकर प्राणायाम करती हैं एंड देन शी फील्स सो रिलैक्स्ड आफ्टर प्राणायाम कि इतना अच्छा उनको रिलैक्सेशन फील होता है। तो ऐसा ही है प्राणायाम। अब थोड़ा भी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे सीधा इफेक्ट जाता है उसका, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट जाने से हमारी डाइजेशन इम्प्रूव होती है, हमारी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है, आप लंग्स की कैपेसिटी को पूरा यूज कर पाते हैं। नहीं तो आप देखें कि हम लोग शेलो ब्रीदिंग में ही अटक कर रह जाते हैं, सांस हमारा ऊपर से ही जाता है, ऊपर से ही बाहर चला जाता है, हम लंग्स के बहुत डीप तक अंदर जा ही नहीं पाते हैं,
शैलो ब्रीदिंग में ही हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन प्राणायाम करने से हम लोग अपनी लंग्स की कैपेसिटी को यूज करते हैं, और लंग्स की कैपेसिटी को ज्यादा से ज्यादा यूज करने से पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, हमारा एब्डोमिनल रीजन में उसका, हमारा डायफ्राम जब इनलार्ज होता है तो हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, और हमारी पूरी सिस्टम का इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। आजकल की तो डिमांड है ना इम्यूनिटी, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही आजकल अच्छी तरह से सर्वाइव कर पा रहा है ना। कई लोग तो इतना अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनको ऐसा कुछ भी वायरस का अटैक होता है तो एकदम से खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई लोग इतना अच्छा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है कि वो लोग कुछ भी हो जाए उन पर ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है ना। तो आज हम कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक सीखेंगे जो आप घर में भी आराम से कर सकते हैं, एंड दीज टेक्निक्स आर सो सिंपल एंड सो इफेक्टिव। इनके बहुत बेनिफिट्स हैं आपकी एंजाइटी के लिए। आजकल मुझे पता है कि हाउस वाइफ को घर में बहुत सारा कुछ साथ साथ मैनेज करना पड़ता है, घर में बैठे बैठे सब लोग भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, और अपने आप को भी ठीक रखना, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है ना, और सब कुछ साथ साथ चल रहा है। जो लोग वर्किंग है उनको घर में बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ रहा है, और सारा टाइम हम लोगों को इंटरनेट पे भी बैठना पड़ता है, ऑनलाइन रहना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले सीखते हैं लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, जो कि प्राणायाम का आधार है। पर एक बात का हम और भी ध्यान रखेंगे कि प्राणायाम जो है वो हम कॉन्शियसली करेंगे। प्राणायाम तभी आपको अफेक्ट करेंगे जब आप उसको कॉन्शियसली करेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए उसको फील करते हुए। ठीक है, तो बैठ जाते हैं आराम से, सिट कंफर्टेबली इजिली, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर इस तरह से खुला रख दीजिए, हाथों को खुले हुए हाथ, आंखें बंद कर लीजिए। अब तो सबसे पहले जैसे कि आप एक नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, उस तरह से सांस लीजिए और छोड़िए, और अब आंखें बंद कर लीजिए। नाउ लिसन द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। आप जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको थोड़ा लंबा गहरा करेंगे, सांस भरेंगे, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को पूरा इस्तेमाल करते हुए पूरा उसको फिल करेंगे लंग्स को। आप पाएंगे जब आप लंग्स को पूरा फिल करते हैं तो एब्डोमिनल रीजन थोड़ा सा इनलार्ज होता है। पूरा भर लीजिए अपने फेफड़ों को पूरी सांस के साथ। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट जो है वो हल्का सा अंदर की ओर जाता है, आपके लंग्स में से पूरा सांस जब बाहर निकल जाए, फिर से एक डीप ब्रेथ इनहेल करें। अब अपने राइट हैंड को अपने एब्डोमिनल रीजन पे रख लें या नेवल रीजन के पास में रख लीजिए। सांस भरते हुए, पूरा सांस भरते हुए फील द ब्रेथ। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए खाली कर दीजिए पूरी तरह से, पूरी अवेयरनेस आपकी अपनी सांस के प्रति हो। लॉन्ग डीप फुल ब्रेथ, टेक टाइम टू इनहेल and take time to exhale. फिर से पूरा लंबा गहरा सांस भरें consciously. Feel the breath and very slowly exhale.
तरह से आप 4 से 5 लंबी गहरी सांसें और लीजिए और छोड़िए। कीपिंग योर आईज क्लोज, आंखें बंद ही रखें। With your full lung capacity, inhale and exhale. Now slowly relax, keeping your eyes closed. Observe the state of your mind. आपका मन पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड है। And slowly, gradually, You can open your eyes. धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा लगा? अभी हमने थोड़ा सा लॉन्ग डीप ब्रेथ का प्रैक्टिस करा, तो कैसा लगा आप सब लोगों को? So you can give me some reactions. अगर आपका वीडियो ऑफ है तो आप इस तरह से रिएक्शन दे सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप इस तरह से दे सकते हैं। अगर आपको बहुत बहुत अच्छा लगा तो आप इस तरह से रिएक्शन दे सकते हैं। वेरी गुड। पूजा जी का तो रिएक्शन आ गया। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, पूजा जी ने दे दिया तो हमारा भी साथ में है, ऐसा है क्या? अलका जी का भी रिएक्शन आ गया। तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम थोड़ा अपना वीडियो भी ऑन कर लें तो मैं भी आप सब लोगों के सुंदर सुंदर फेसेस देख पाऊंगी। जी, मैं सब डीप ब्रीदिंग में सो गए लग रहा है। ओके, तो अभी हमने लॉन्ग डीप ब्रेथ का प्रैक्टिस किया, उसको हमने माय सिस्टर लॉ सिटिंग नेक्स्ट टू मी शी सेइंग मुझे डर लगना थोड़ा कम हुआ है। हाँ, यस, तो एंजाइटी कम होता है और मन जो है प्रेजेंट मोमेंट में आता है जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, है ना? क्या होता है कि मन जो फ्यूचर में ज्यादा रहता है तो एंजाइटी आती है, पास्ट में ज्यादा रहता है तो तकलीफ में रहता है, दुख रहता है, रिग्रेट रहता है लाइफ में, है ना? लेकिन जब प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तब खुश रहता है या नहीं? मानते हैं ना इस बात को? प्रेजेंट मोमेंट में सबसे ज्यादा क्या है? ब्रेथ। क्या आप कभी पास्ट की सांस ले सकते हैं? इस चीज से सांस ले सकते हैं, पास्ट की सांस ले सकते हैं क्या? नहीं, कल की सांस नहीं। या आप कल आने वाले दिन की सांस ले सकते हैं या अगले पल की भी आप सांस नहीं ले सकते, है ना? इसी तरह से जो ब्रेथ है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में है। और अगर हम ब्रेथ पे ब्रेथ पे थोड़ा काम करें, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखें, तो इट हेल्प्स अ लॉट। ये हमारे को बहुत हेल्प करती है। तो ये सिंपल जो टेक्निक मैंने अभी आपको सिखाई है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, ये आप रोज सुबह करिए और लेट के भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे लेटे ना, जब आप लोग आंखें बंद करके अपने शरीर को ढीला छोड़कर पूरे सांस लीजिए, अपने राइट हैंड को अपने नेवल रीजन पे रखकर पूरा सांस लीजिए और एक्सपेंशन को फील करिए, बिकॉज एवरी इनकमिंग ब्रेथ इज गिविंग यू अ न्यू लाइफ, अ न्यू एनर्जी, एंड एवरी आउटगोइंग ब्रेथ इज रिलैक्सिंग यू। जब सांस बाहर जाए तो धीरे धीरे आप फील करिए रिलैक्सेशन को। तो ये आप लेट के भी कर सकते हैं, इट्स सो गुड एंड सो इफेक्टिव। इसी के आगे एक और प्राणायाम सीखते हैं जिसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हमारी आईज के लिए अच्छा है, हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है। ज्यादातर हम हाउसवाइफ की मेमोरी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि वही सेम चीजें, सेम रूटीन, तो हमारे लिए कुछ नया नहीं रह जाता। तो हम लोग वही टीवी देखना, वही गप्पे शप्पे मारना, वही गॉसिप्स में इन्वॉल्व रहना, लेकिन
अगर आप थोड़ा सा अपने साथ काम करें तो आपकी लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो भ्रामरी प्राणायाम सीख लेते हैं कैसे करना है। पहले आप मुझे देख लीजिएगा करते हुए, फिर आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो अभी भ्रामरी प्राणायाम का ना मैं इजी टेक्निक आपको सिखाऊंगी। हाँ, तो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर ऑन योर ईयर्स, आपके कानों के बाहर ना एक लिगामेंट है, उसके ऊपर आप अपने फर्स्ट फिंगर को प्लेस कर दीजिए। एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, एक नॉर्मल सांस लीजिए। पहले आप देख लीजिएगा, फिर आप करेंगे ना तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सांस लेंगे और अब अपने कानों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और मुंह को बंद करके अंदर ही अंदर हमिंग साउंड करेंगे। इस तरह से आप उसका वाइब्रेशन अपने पूरे मस्तिष्क में, अपने इस अपर रीजन में, नर्वस सिस्टम में पूरा फील करेंगे। और साथ में आप ऐड कर सकते हैं, जब सांस लें तो उंगली को हल्का सा अंदर बाहर करें, उससे आपको अच्छी तरह से हमिंग साउंड, एक भवरे की तरह, जिसको भ्रामरी बोलते हैं, एक भवरे की तरह आप गुंजन को फील कर पाते हैं। तो दिस प्राणायाम जो है आपकी बहुत हेल्प करेगा अच्छी नींद लाने में और आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आईज क्लोज। अच्छा, जिन्होंने एयरफोन लगा रखे हैं कानों में, वो कुछ देर के लिए एयरफोन निकाल कर करें तो अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट, इंडेक्स फिंगर रखेंगे, पहली उंगली कानों के बाहर, एल्बो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और हमिंग साउंड करते हुए सांस को छोड़ते जाइए। साथ में थोड़ी थोड़ी अपनी उंगली को अंदर बाहर कर सकते हैं। अभी दो बार और करेंगे। आईज क्लोज, बी विद योरसेल्फ। धीरे धीरे करिए शीला जी, फास्ट नहीं, बहुत स्लो। जितना धीरे करेंगे उतना इफेक्टिव रहेगा। एक बार और करिए, पूरी सांस भरकर हमिंग साउंड करें। अब आंखें बंद रखते हुए ऑब्जर्व द सेंसेशन, ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ दिस प्राणायाम, अपने भीतर उसको अनुभव करें। नेहा जी, हेलो नेहा जी, ये प्राणायाम का कोई समय भी होता है या जैसे खाना खा लिया तो भी कर सकते? वो हम लोग बीच बीच में ना आपको बताते रहेंगे। ओके, तो हाँ, ये बात भी बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि खाना खाने के 2-3 घंटे तक प्राणायाम और योगा की कोई भी टेक्निक नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप शवासन कर सकते हो, योग निद्रा कर सकते हो, लॉन्ग डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लेकिन आप अगर प्राणायाम एकदम खाना खाने के बाद करने बैठोगे तो वो इतना अच्छा आपको इफेक्ट नहीं देगा। योगा की कोई भी टेक्निक आप खाना खाने से पहले कर लें या खाना खाने के 3 घंटे के बाद करें। तो कैसा लगा भ्रामरी प्राणायाम करके आप लोगों को? दीपिका तो आ गया। अच्छा, दीप्ति जी तो मेरी स्टूडेंट है। ओके, गुड गुड। तो अच्छा, मेरे को एक्चुअली में ना थोड़ा एंजाइटी की ना इससे बहुत रहती है प्रॉब्लम थोड़ी सी, जैसे
स्पेशली जैसे मतलब लेट्स से पीछे को पीछे आगे ज्यादा वो करना मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट में ना रह के पास्ट की में हमने गलत कर दिया और फ्यूचर में यार ये क्यों ऐसे होगा दैट एंजाइटी. एंजाइटी ज्यादातर फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है हमारा. जब हम बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज में रहते हैं कि मेरा क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होने वाला है, या हमने अपने फ्यूचर के प्रति जब हम इनसिक्योर होते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी आती है. तो ज्यादातर आजकल का टाइम ऐसा है, आई अंडरस्टैंड कि आजकल थोड़ा एंजाइटी का रहता है मन में. तो जैसे हम लोगों ने अभी भ्रामरी प्राणायाम किया, इट हेल्प्स अ लॉट. ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है भ्रामरी प्राणायाम. और ये 5-6-7 बार अच्छी तरह से रिपीट करते हुए करिए, और दिन में 2-3 बार भी कर सकते हैं. मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, रात को थोड़ा सोने से पहले भी आप कर सकते हैं. रात को सोने से पहले करने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है जैसे नींद. यस यस, आप बेड पे लेटकर हाथों की ऐसे पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है. आप हाथों को नीचे ही रखिए शवासन की स्थिति में, हाथ नीचे, और लंबा गहरा सांस लेकर बस आंखें बंद करके 4-5 बार आप ये हमिंग साउंड कर सकते हैं. तो वो एक्चुअल में हमारे सिस्टम को काम डाउन कर देता है, नर्वस सिस्टम को. तो हमारे को नींद अच्छा आता है उस प्राणायाम को करने से. और लॉन्ग डीप ब्रेथ भी कर सकते हैं, और ये भी भ्रामरी भी कर सकते हैं. ये दोनों प्राणायाम आपको और बहुत हेल्प करेंगे. इसके अलावा हम 1-2 प्राणायाम और सीखते हैं. जैसे हाउसवाइफ हैं यहाँ पर ज्यादातर, तो बीपी का प्रॉब्लम बहुत रहता है सबको, है ना, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी रहता है. तो आज हम एक ड्रॉप प्राणायाम सीखेंगे, एंड इट्स सो इजी एंड सो इजी टू कैच. स्ट्रॉ प्राणायाम जैसे कि हम सुन रहे हैं कि इट्स लाइक स्ट्रॉ की तरह हम लोग इसको करेंगे. कैसे करना है, पहले सिट कंफर्टेबली इजिली, सुखासन में आराम से बैठ जाइए. और चाहे आप चेयर पे बैठ के करिए, चाहे आप नीचे बैठकर करिए, या आपने बेड पे बैठ के करिए. आप थोड़ा सपोर्ट भी ले सकते हैं अपनी बैक पे, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए प्राणायाम करते समय. प्राणायाम करते समय इस बात का आपको स्पेशली विशेष ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा रहे. चाहे आप सपोर्ट लेकर बैठें कोई बात नहीं, लेकिन रीढ़ की हड्डी को तब भी आप सीधा रख सकते हैं. रीढ़ की हड्डी सीधा रहने से प्राण जो है ऊपर की तरफ हमारा बहता है, जिससे प्राण शक्ति का संचार अधिक मात्रा में होता है. तो दोनों हाथ घुटनों पे रख दीजिए, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है. हाथों को बस सीधा ऐसे रख दीजिए खुला हुआ. तो आज हम एक स्ट्रॉ प्राणायाम सीखेंगे. आपने स्ट्रॉ के साथ जूस भी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पीते हो, या आजकल शेक वगैरह भी बहुत चले हुए हैं. चलिए शेक के नाम से मुझे याद आया, आप सब लोग थोड़ा सा फील कर रहे होगे बोर या कुछ ऐसा. वैसे मुझे लगता तो नहीं बोर फील कर रहे होगे, लेकिन जस्ट फॉर अ चेंज लेट्स शेक योर हैंड्स. अपने हाथों को थोड़ा शेक कर लीजिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ताकि आप लोग पूरा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं. थोड़ा सिर को भी हिला लीजिए. यस, वेरी गुड. थोड़ा और अच्छी तरह से हाथों को जैसे भी आप करना चाहें, राइट लेफ्ट, गर्दन भी आप जैसे भी करना चाहें, 2-3 बार और कर लीजिए. एंड नाउ रिलैक्स, आंखें बंद करके कुछ डीप ब्रीदिंग कर लें. नाउ स्लोली ओपन योर आईज. अब अपनी आंखें खोलकर अब हम एक स्ट्रॉ प्राणायाम सीखेंगे. स्ट्रॉ प्राणायाम हमारे बीपी को काम डाउन करने में बहुत हेल्प करता है. तो जैसे कि आपको मैंने बोला, जैसे हम जूस पीते हैं, शेक पीते हैं स्ट्रॉ के साथ, तो ऐसे स्ट्रॉ की तरह अपने लिप का शेप बना लीजिए. इस तरह से पाउच नहीं करना. तो ऐसे सांस को हम लोग मुंह से धीरे धीरे, जैसे आप पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे एक एक घूट करके सांस को अंदर भरिए. पूरा सांस अंदर भर जाए
तो मुंह को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। फिर से करेंगे बैक स्ट्रेट, फिर से मुंह को गोल कर लीजिए, स्ट्रॉ में जैसे आप पानी पीने ही वाले हैं, घूट घूट करके सांस को धीरे धीरे भरें, एज स्लो एज यू कैन। और सांस जब पूरा भर जाए तो नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे, टेक टाइम टू रिलीज योर ब्रेथ। करते जाइए, मुंह से सांस लीजिए स्ट्रॉक की तरह, आहिस्ता आहिस्ता, जितना धीरे करेंगे, जितनी अवेयरनेस के साथ, उतना ही अच्छा है। Keeping your eyes closed, nostril से धीरे धीरे छोड़ देंगे। Continue 3 more times, 3 बार और करिए। Feel the relaxation you are getting. After completing this sound, you can relax. Eyes closed. Observe your breath. Observe the state of your mind. You can feel the difference now. Man pehle se adhik vishram mein hai. एक ठंडक का एहसास है आपके भीतर। Slowly, gradually, open your eyes. आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा रहा ये प्राणायाम, स्ट्रॉ प्राणायाम? ग्रेट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, वेरी नाइस, आपकी एंजाइटी को कम करने में, आपके बीपी को लो करने में। और ऐसा नहीं है लो बीपी वाले नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो प्राणायाम का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, इससे आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। और कोई कुछ इसके बाद हम एक और भावना कुछ पूछना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम है, जैसे ना मतलब जैसे जैसे न्यू हाउस में शिफ्ट हुए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना थोड़ा फियर सा हो गया, जैसे मतलब टू द एक्सटेंट की जैसे मैं अगर सो भी जाती हूँ तो एकदम से मैं फियर से जर्क अवेक हो जाती हूँ, और वो फिर मुझे ना बहुत देर तक ऐसे घबराहट देता रहता है। So, is there any breathing technique I can do to keep the subconscious mind से fear मिटना शुरू हो जाए? आप थोड़ा मेडिटेशन भी करो प्राणायाम के साथ। अच्छा। प्राणायाम के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप अपनी लाइफ में रखेंगे, थोड़ा चैंटिंग, थोड़ा चैंटिंग, जैसे जो चैंटिंग, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे, इट मे बी ओम नमः शिवाय, इट मे बी गायत्री मंत्र, इट मे बी महामृत्युंजय मंत्र, वो भी आप अपनी लाइफ में, अपने घर में थोड़ा थोड़ा लगा के रखें, उसके साथ आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। ठीक है। Mm-hmm.
तो अभी एक और हम प्राणायाम सीखेंगे, वो भी हमारे माइंड को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आपने बोला कि आपको अंदर में बैलेंस नहीं हो पाता, एक बात मैं और भी ऐड करना चाहती हूँ कि प्राणायाम हमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी देते हैं, क्योंकि प्राणायाम जो है हमारा, उसका पूरा कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के साथ है, पैरासिम्पेटेटिक नर्वस सिस्टम के साथ है। और जैसे कि आप लोगों में से काफी जानते होंगे, हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फेयर हैं, राइट एंड लेफ्ट, है ना। प्राणायाम इन दोनों का बैलेंस करता है। तो इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में जान सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो ईड़ा नाड़ी होती है, जो कि हमारे अंदर ठंडक को लाती है, रिलैक्सेशन को लाती है। और जो राइट हमारी नॉस्ट्रिल है वो पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी हमारे अंदर एक्टिविटी को लाती है, हमारे अंदर एक साहस को लाता है, काम करने की शक्ति को लाता है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, विश्राम का भी और कार्य में इन्वॉल्व होने का भी, है ना। कर्म और विश्राम दोनों का ही बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम काम में इतने रत हो जाते हैं, हम विश्राम करना भी छोड़ देते हैं। मतलब विश्राम करते हैं लेकिन वो एक क्वालिटी विश्राम नहीं होता। और कई बार कई लोग विश्राम में ही रहते हैं, काम में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। तो दोनों नाड़ियों का, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस होने से ऐसा हो जाता है कि हम विश्राम के साथ साथ काम में भी उतने ही 100% लगे रह सकते हैं। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्राणायाम, जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत इजी है ये भी करना, पर इसके इफेक्ट बहुत सुंदर हैं, बहुत इफेक्टिव है। तो आपको लेफ्ट हैंड नीचे अपना चिन मुद्रा में रखना है, अपने घुटने के ऊपर इस तरह से, ऐसे चिन मुद्रा, अंगूठे के साथ की उंगली अंगूठे को हल्का सा स्पर्श करती हुई, बहुत जोर से नहीं दबाना। और राइट हैंड से हम प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाएंगे। अंगूठे के साथ की दोनों उंगलियां आपके आईब्रोज के सेंटर में आप प्लेस करेंगे। थंब ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को भरें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए सांस। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें धीरे धीरे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। Do as slow as you can, मन में कोई जल्दबाजी नहीं। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। कंटिन्यू रखेंगे इस प्राणायाम को, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। Feel the flow of prana in your body. You can check the pranayama mudra. और प्रैक्टिस को करते जाएं। आपका सांस सूक्ष्म है। And take time to inhale. And take time to exhale. कंटिन्यू रखेंगे टू मोर राउंड, दो और राउंड करेंगे पूरी सांस के साथ।
keep observing your breath. सांस को जब छोड़ें तो भी धीरे धीरे छोड़ें। After completing this round, you can relax. Keeping your eyes closed, observe the effect of this pranayama. Man ki shant sthiti ko dekhne. Feel the relaxed and calm state of your mind. And observe your breath. You can feel दोनों नासिकाओं से अंदर आ रही है और दोनों नासिकाओं से बाहर जा रही है। प्राणायाम करने के बाद मन इतना शांत हो जाता है कि ध्यान की अवस्था में अपने आप से ही पहुंच जाता है। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। कुछ देर आंखें बंद करके 2-3 मिनट के लिए अपने साथ रहें। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। Every incoming breath is energizing you, and every outgoing breath is relaxing you. Keeping a beautiful smile on your face. सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। Slowly, gradually. Be aware of your body. Be aware of your breath. And taking your own time, you can slowly open your eyes. आँखें खोल सकते हैं। Feeling relaxed. Good now? Yes or no? Yes, yes. Good? So, इस तरह से हम बहुत सारे प्राणायाम्स हैं। There are lots and lots of pranayams जो हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम ये basics जो ये प्राणायाम है ना, ये हम daily अगर practice करेंगे ना, तो इससे भी आपको बहुत life में change feel होगा, बहुत transformation feel होगा। इनकी आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, लॉन्ग डीप ब्रेथ का आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो हमने अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन जिसको कहते हैं, इसका आप ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए और दिन में 2-3 बार करिए। स्टार्टिंग में 2 और अब 5-7 मिनट तक एक प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी आप 5-7 बार अच्छी तरह से करिए, 2 बार करिए। तो प्राणायाम आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्राणायाम का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही मन रिलैक्स होता जाएगा, उतना ही आपका अपने आप से मेडिटेटिव स्टेट में आप पहुंच जाएंगे।
अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो ओवर टू यू नाउ. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी ले लेते हैं. और इस तरह की जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती हैं. हाँ, ऐसे जैसे प्राणायाम से सुदर्शन क्रिया, जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी हूँ, हम लोग सुदर्शन क्रिया भी सिखाते हैं. सुदर्शन क्रिया भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जो कि बहुत इफेक्टिव ब्रीदिंग टेक्निक है, जो कि हमें एकदम से एनर्जाइज कर देती है, डी स्ट्रेस कर देती है और डिटॉक्सिफाई करती है हमें. तो क्या सुदर्शन क्रिया सीखना मुश्किल है? सुदर्शन क्रिया बहुत इजी है, वो भी ब्रीदिंग टेक्निक है, बट वो किसी टीचर की गाइडेंस के साथ ही आप कर सकते हैं आपको. उसमें भी सुदर्शन क्रिया सीखने के लिए हमारे पास एक वर्कशॉप है, ऑनलाइन मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप, जिसमें हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं और मेडिटेशन भी हम कराते हैं उसमें. उसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं, सुदर्शन क्रिया है और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपको डेली लाइफ में, अपनी एवरीडे की लाइफ में आपको कैसे अपने आप को हैप्पी रखना है, कैसे खुश रखना है. देखिए, एक आउटर वर्ल्ड है, एक इनर वर्ल्ड है. जब हमारा इनर वर्ल्ड सही रहेगा ना, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी. लेकिन हमारा पूरा ध्यान बाहर ठीक करने में लगा रहता है, लेकिन अंदर की तरफ हम फोकस नहीं होते. अंदर की तरफ हम थोड़ा सा भी अपने आप को हार्मोनाइज करने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं. थोड़ा सा एफर्ट अपने साथ, अपने भीतर को सुंदर बनाने के लिए. जब हमारा भीतर सुंदर हो जाता है ना, बाहर की दुनिया अपने आप से अच्छी लगनी शुरू हो जाती है. और एटलीस्ट हम लोगों को कॉप अप करना आ जाता है एडवर्स सिचुएशन में अपने मन को, कि कैसे हम अपने मन को रखें. ये सब टूल्स हैं. हाँ, ये सब टूल्स हैं हमारे पास. प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, योगा, ये सब टूल्स हैं हमें अपने आप को इक्वानिमस रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को हार्मोनाइज रखने के लिए. बस दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है. तो नेहा जी, आपकी जो ये ऑनलाइन वर्कशॉप है, आप उसका लिंक चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट पीपल कैन नो. मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. मेरे साथ मेरे को टीचर जो है, he is an advanced course teacher and he is a wonderful teacher, Gaurav Verma ji. और वो मेरे भी senior teacher हैं. और it's a wonderful opportunity कि वो बहुत time बाद ये workshop मेरे साथ conduct कर रहे हैं. नहीं तो वो ज़्यादातर advanced courses में ही रहते हैं. तो ये सब मैं आपको share कर दूँगी. तो ये दो timings हैं, morning 6:30 to 8:30 एंड इवनिंग 6:30 to 8:30. सिर्फ 2 hours की वर्कशॉप है, 4 days के लिए, 29th October to 1st November, मतलब थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे से शुरू होकर संडे तक रहेगी ये वर्कशॉप. और 2-2 घंटे का ये रोज का है. आप अपने आप को आपका लिंक एक बारी चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए. दैट स्लाइड इज नॉट वेरी क्लियर. श्योर, मैं आपको चैट बॉक्स में पूरा आपको लिंक भी भेज दूंगी. और रजिस्ट्रेशन मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए, सो दैट आई कैन रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह आप उस पे रजिस्टर करवा दीजिएगा. तो अच्छा है आप लोग ये वर्कशॉप करें, तो उसके बाद आप सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस घर में भी खुद से भी कर सकते हैं. इस वर्कशॉप में आपको सुदर्शन क्रिया खुद से घर में भी करना सिखाया जाता है, होम प्रैक्टिस करना भी सिखाया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल प्राणायाम, उसके अलावा सुदर्शन क्रिया करेंगे, मेडिटेशन करेंगे. देखो, 1 घंटा तो हमें अपने आपको रोज देना ही चाहिए. अगर हमें बाकी के 23 आवर्स अच्छे, एक क्वालिटी वाइज अच्छे बिताने हैं, एंड अच्छी एनर्जी के साथ, एक अच्छी लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ, तो हमें 1 घंटा तो अपने आप को देना ही चाहिए. एनी क्वेश्चन अबाउट दीज प्राणायाम्स, एंड कोई अपना कुछ पूछना चाहता है तो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन टू नेहा जी, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके भी आप लोग पूछ सकते हैं. वी आर ओपन टू इट. किसी ने किसी प्राणायाम के बारे में, कोई योगा के बारे में, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के, सुदर्शन क्रिया के बारे में किसी को भी पूछना हो, पूछ सकते हैं. नेहा जी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं और
इन्होंने ग्रेसफुली हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है टू बी ऑन देवदीति फाउंडेशन प्लेटफॉर्म, और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का भी प्रोग्राम हम दे पा रहे हैं ऑनलाइन, जिसमें हम लेडीज को, क्या कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, सब लोग घर बैठे कैसे अपना मानसिक संतुलन ठीक रखें, मतलब इतनी इजी इजी चीजों से हम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो वी आर ओपन टू इट, प्लीज कम अप। आप लोग चैट बॉक्स में भी अपना कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। हाँ, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बट देयर इज नोबडी आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो तो नहीं रहे ना कि सो गए हैं, सो मैं आपसे एक, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 4 मिनट का एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो ब्यूटीफुल, इससे हमको और क्लैरिटी आ जाएगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी बिफोर यू प्ले ऑन द वीडियो, कि जैसे कई लोगों को एंजाइटी इस लेवल तक की हो जाती है कि वो सोते सोते उठ जाती है, आपने हमने सोने से पहले डीप ब्रीदिंग भी कर ली, प्राणायाम आसन भी कर लिया, बट एट टाइम्स क्या होता है जिनको एंजाइटी बहुत ज्यादा है तो बीच रात में जैसे आंख खुल गई, डर के उठ गए, उस टाइम क्या करें? देखो, खाने का भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रहता है हमारे साथ, अगर आप थोड़ा खाने पे भी ध्यान रखें तो वो भी हमारे एंजाइटी को कम करता है। आजकल तो आप जैसे देखें रात को लो कैप का फूड लें, है ना, तो और रात को खाना जल्दी खाकर थोड़ा सा वॉक करें, और रात को थोड़ा सोने से पहले थोड़ा मोबाइल वगैरह छोड़कर अगर हम कुछ अच्छी बुक पढ़ें या कुछ अच्छा सूदिंग सा म्यूजिक सुन लें, और कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं रात को सोने से पहले, या हम लोग योग निद्रा, एक बहुत अच्छा एक टेक्निक है योग निद्रा, वो लेट के रिलैक्सेशन है पूरा, उसका भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, वो भी हर जगह अवेलेबल है, उसको भी आप लगा के आराम से सो सकते हैं, उससे आपको नींद गहरा आएगा और रिलैक्स्ड होगा। तो थोड़ा थोड़ा हमें खाने पे भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम हैवी फूड लेते हैं या जंक फूड लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं तो वो खाने का सीधा संबंध हमारे मन से होता है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा जैसा अन्न वैसा मन, तो अगर हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा तो हमारी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, तो खाने का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। अब खाने के साथ साथ आप प्राणायाम करें, अपने साथ थोड़ा सा वर्कआउट करें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा योगा करें, तो उससे आपकी नींद बहुत इम्प्रूव होगा। थैंक यू नेहा जी। और जैसे आप कह रहे हो कि आप नींद खुलता है रात को एकदम से, तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, जब आपका नींद खुलता है तो वो अपने आप से रिलैक्स हो जाता है माइंड से, क्योंकि हमारी सांस जो है हमारे मन से भी जुड़ी हुई है। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो सांस कैसे चलता है, एकदम तेज चलता है ना, इवन आप ब्रेथलेस हो जाते हो कि वर्ड भी नहीं निकल पाते मुंह से, है ना। और जब आप रिलैक्स्ड होते हो, खुश होते हो, तो आपकी सांस बहुत प्लेजेंट होती है, है ना। इसी तरह हमारे इमोशंस और हमारा मन हमारी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट पे भी काम करता है, और हमारे फीलिंग्स पे, हमारे इमोशनल एस्पेक्ट पे पूरा काम करता है। फिजिकली भी हम लोग फिट रहते हैं, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी भी बनी रहती है, शरीर में एनर्जी भी बना रहता है, और हमारे अंदर सटल लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छा रहता है, और इमोशनल वेलबींग के लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, और इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होता ही है प्राणायाम करने से, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो आप लोगों ने, किसी ने कुछ सवाल पूछना है, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? सब लोग गहरी निद्रा में सो गए हैं ऐसा लग रहा है। एक्चुअली प्राणायाम काफी लोग आजकल करने लगे हैं, चाहे उसका महत्व अच्छी तरह पता है नहीं पता, टेक्निक पता है या नहीं पता, लोगों ने बहुत इनकल्केट करी अपनी रोज की हैबिट्स में प्राणायाम। जैसे मैंने आपसे उस दिन शेयर किया था कि मैं रोज कर रही हूँ, मैं पहले नहीं करती थी, मैं पिछले लॉकडाउन के में ज्यादा रेगुलर हुई हूँ, तो
to build up the immunity, as they say. So हमारा नहीं नहीं आप कहिए, आपका सेशन है. नहीं नहीं, इट्स वेरी गुड ना कि सब लोग मिले. इट्स म्यूचुअल कम्युनिकेशन ना, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा है कि प्राणायाम को अवेयरनेस के साथ करना, कॉन्शियसली करना. और सेकंड थिंग कि प्राणायाम जो है वो सिर्फ सांस का आना जाना ही नहीं है. इट्स सो सटल एंड सो ब्यूटीफुल. जैसे जैसे आप योग में और डीप जाएंगे, आपके अंदर और भी बहुत सारे रियलम खुलेंगे. जैसे बहुत सारे हमारे अंदर एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसको चक्रास बोलते हैं, वो भी इफेक्टिव होते हैं प्राणायाम करने से. तो वही मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि अपनी अगर एनर्जी को अच्छा बना के रखना है, अपने आप के अंदर स्पार्क बना के रखना है ना हमेशा, तो प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए. ये हमारे संस्कृति की देन है हम सब लोगों को. और हम लोग बाहर के कल्चर देख के, बाहर की दुनिया में देख के जाके वो इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और हम लोग इसको भूल, मतलब अब तो नहीं, लेकिन थैंक्स टू लॉकडाउन इन सब चीजों से सब लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं. बैक टू रूट्स हो गए हैं लॉकडाउन में. क्योंकि घर बैठे हुए हैं ना, कुछ तो करेंगे. घर बैठे और डर लग गया है. पेंडेमिक का, कोरोना का इतना डर है कि मेरे को किसी ने बोला स्टीम लो तो स्टीम ले रहे, किसी ने बोला प्राणायाम करो तो प्राणायाम करे, किसी ने बोला हल्दी का दूध पियो तो हल्दी का दूध. तो ये सब चीजें हमारे कल्चर में तो शुरू से थी. हाथ धोने का, जूते चप्पल अंदर ना लाने का, दिस वॉज ऑलवेज देयर. सो एवरीबडी इज गोइंग बैक टू द ओल्ड टाइम्स. सो आज हमारी मम्मी हो तो वो ज्यादा बोलेंगी कि हमारे टाइम में तो ऐसे होता, हम कम बोलेंगे बच्चों को क्योंकि हमें पता बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. तो नेहा जी, आप एक वीडियो चलाने लगी थी. अभी अगर आप लोग देखें कि सब लोगों के पास अगर समय है तो ही, समय तो हो चुका है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऐसा प्लान कर लेंगे. हाँ ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम हम कुछ ऐसा प्लान कर लेंगे कि हम लोग कुछ ऐसा वीडियो भी शेयर कर लेंगे. वेगस नर्व होती है हमारे अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हमारे अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखने के लिए, और हमारे अंदर रिलैक्सेशन को लाने के लिए, और हमारी लाइफ को बैलेंस और सेंटर्ड रखने के लिए. तो हम पहले तो साइंटिस्ट नहीं मानते थे, लेकिन अब साइंटिस्ट भी उन सब चीजों को मानने लगे हैं. मैं उसके ऊपर थोड़ा बताना चाहती थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, देयर इज ऑलवेज देयर नेक्स्ट टाइम. थैंक यू नेहा जी, देव दीदी फाउंडेशन की तरफ से, और सब व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आप लोगों का फीडबैक भी जरूर चाहूंगी कि आपको ये सेशन अच्छा लगा और यूजफुल लगा, तो आप जरूर से मुझे बताइएगा फीडबैक. कुछ भी आपको जो भी बात करना हो, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो. दिस इज माय नंबर. ठीक है जी, और मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ. हाँ जी, आप लोग मुझे जो भी फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं. तो इसी थैंक यू नोट के साथ, धन्यवाद के साथ सब व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, अब अगला सेशन है मंडे को 26 तारीख को, जहां हम फेस्टिवल्स के ऊपर क्या डेकोरेशन कर सकते हैं करवा चौथ और फेस्टिवल्स पे, वो लेके आ रहे हैं. तो सी यू ऑल ऑन मंडे. नमस्कार, हैप्पी नवरात्रास. थैंक यू एवरीवन.